सभी, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं US इलेक्शन की। पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव और वहां पर भी भारतीयों का डंका बजा हुआ है मेरे दोस्तों। उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस का नाम डेमोक्रेट पार्टी ने अनाउंस कर दिया है, तो भारतीयों का इसके अंदर इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। तो हाँ, तो देखते हैं मेरी ये वीडियो और जानते हैं कि अमेरिका के चुनाव का भारत पे क्या असर होने वाला है और भारतीय लोग अमेरिका के चुनाव में कितनी साझेदारी निभा पाएंगे, क्योंकि हर पार्टी, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, भारतीय वोटरों को लुभाने की जी तोड़ से मेहनत कर रही है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि US में जो इलेक्शन होने वाला है उसकी डेट 3 नवंबर 2020 है, यानी कि 3 नवंबर 2020 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में इलेक्शन होने वाला है। और वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन वहाँ पर दो पार्टी है, इसके अलावा वहाँ पर तीसरी पार्टी नहीं है। वहाँ पर भारत जैसा नहीं होता है कि कितनी भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है एज नंबर एस। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सबको अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए मोहलत देता है कि आप आइए और अपना नॉमिनेशन फाइल करिए, लेकिन अमेरिका में केवल दो पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर केवल आप या तो डेमोक्रेट से खड़े हो सकते हैं या रिपब्लिकन से खड़े हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बार डेमोक्रेट पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार चुन लिए हैं, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने जो उम्मीदवार चुना है उसका नाम जो बाइडन है। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो बराक ओबामा के समय में उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाले हुए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग दांव जो इनकी डेमोक्रेट पार्टी ने खेला है मेरे दोस्तों, वो कमला हैरिस के साथ खेला है। ये सीधे सीधे भारतीय वोटरों को लुभाने की एक कोशिश है, क्योंकि कमला हैरिस आती है भारतीय मूल से और वो काफ़ी तमिल लोगों की लोकप्रिय नेता भी मानी जाती है। लेकिन आपको जैसे पता है कि जो भारतीय वोटर हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर कहे जाते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम भी चुनाव जीता था। लास्ट टाइम 16% जो ट्रंप को वोट मिले थे वो इंडियन अमेरिकन के द्वारा ही थे, यानी भारतीयों के द्वारा दिए गए वोट से ही ट्रंप की सरकार वहाँ बन पाई थी। एक अनुमान के मुताबिक 8 राज्यों में 13 लाख क्रूशल वोटर हैं जो भारतीय हैं, और वह डिसाइड करने वाले हैं कि अमेरिका का भविष्य क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, 8 स्टेट में 13 लाख क्रूशल इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुर्सी पर बैठेंगे या जो बाइडन। जो बाइडन के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे वो 2 बार राष्ट्रपति पद का ऑलरेडी उम्मीदवार भर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको डेमोक्रेट पार्टी ने नॉमिनी नहीं बनाया। ये फर्स्ट टाइम है जब जो बाइडन को डेमोक्रेट पार्टी ने नॉमिनी बनाया है। अभी हालिया दिए हुए एक इंटरव्यू में जो बाइडन ने बताया कि 5 साल पहले उनके बेटे की ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई, और लगभग 43 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। उन्होंने बताया कि किसी को खोने का दर्द कैसा होता है। उन्हें लगता है कि सीने पे एक कुछ पत्थर भारी सा रखा हुआ हो और कोई आपको लगातार दबा रहा हो। उन्होंने वादा किया है अमेरिका के लोगों से कि यदि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो अमेरिका को अंधकार से निकाल के उजाले की ओर लेके जाएंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जो बाइडन कुर्सी पे बैठते हैं या डोनाल्ड ट्रंप अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे अगर आज तक में देखा जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के सबसे पॉपुलर नेता थे, और जो हमारे सबसे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप वो वहाँ पे मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेता रहे। उनके साथ जब भी रहा बहुत कंट्रोवर्सी रही। उन्होंने ना केवल अपने बयानों से सबको घुमाया, ना केवल दुनिया को ये तक बताया कि अमेरिका केवल अमेरिका के लिए है और दूसरे देशों के लिए नहीं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर हैं और अमेरिका के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं अभी तक, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं
ट्रम्प्स के बहुत सारे अचीवमेंट भी रहे हैं, लाइक उनके टाइम पीरियड के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी हाईएस्ट पीक पर रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब अमेरिकन सिटीजन के लिए ओनली प्रोवाइडेड कराई, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर पॉलिसी बनाई, और उन्होंने जो वादा किया था कि वो अफगानिस्तान पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, वो उन्होंने 2017 अप्रैल में ही पूरा कर दिया। उन्होंने वादा किया था 2016 के कैंपेन में कि वो अफगानिस्तान पे दुनिया का सबसे बड़ा बम गिराएंगे, और ये उन्होंने 2017 में करके दिखाया, जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानते हैं। उन्होंने WHO की फंडिंग रोक दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि WHO अपना सही से काम नहीं कर पा रहा। उन्होंने पेरिस समझौते से भी अमेरिका को पीछे खींच लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केवल पैसे की बर्बादी है, भारत और चीन जैसे देश इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका में लाखों नौकरियां इस समझौते के कारण ही जा रही है। लेकिन किसी को भी दो राय नहीं है कि US के ट्रंप COVID-19 पैंडेमिक को लेकर बुरी तरीके से फेल हुए हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर, अगर आपने मेरा ब्लैक लाइव्स मैटर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट में भी बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हुए हैं और इन्होंने बहुत बार झूठ बोला है, यहाँ तक कि इन्होंने पहली बार अपने कैंपेन के स्टार्ट करते ही झूठ बोला कि इन्होंने मेक्सिको की दीवार बना दी, जबकि कभी भी व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं आया कि मेक्सिको की दीवार बन चुकी है मेरे दोस्तों। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या जो बाइडन जीतते हैं। जो बाइडन की A77 है, डोनाल्ड ट्रंप की A74 है, ज़्यादा उम्र में अंतर नहीं, लेकिन दोनों के सलीके में, दोनों के बात करने में, दोनों के निर्णय लेने में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एग्रेसिव हैं और अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, एक अड़ियल रवैये के नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन एक डेमोक्रेट काइंड ऑफ नेता हैं, जो लिबरल काइंड में आते हैं, जो सबकी बात सुनकर अपना काम करते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि दोनों में से कौन से नेता जीतते हैं, लेकिन मेरे अनुसार डोनाल्ड ट्रंप का इस बार भी पलड़ा भारी है मेरे दोस्तों, और भारतीयों का वहाँ पे बहुत क्रूशल रोल रहने वाला है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अनवियास, आपका दोस्त। थैंक यू।